नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगम चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल संगम कंप्यूटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है 2022-23 का। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे या आपके पास जो भी ब्राउजर है उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपल से अपने गूगल सर्च में आना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है यूपी स्कॉलरशिप, ठीक है। जैसे यूपी स्कॉलरशिप आप लोग सर्च करेंगे तो दोस्तों आप लोगों के सामने देख सकते हैं कि यह फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला लिंक आ गया है। आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट जो है scholarship.up.government.in, ठीक है, इसी पे क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर चला आएगा, फर्स्ट पेज खुलकर चला आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड लिंक का ऑप्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, इसका इसमें आप पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आना है, ठीक है। स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ आप लोगों को तीन ऑप्शन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉग इन, रेनुअल लॉग इन, ठीक है। तो आप लोग, हम रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं तो सिंपल से हम आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23 का इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, SC ST जनरल कैटेगरी फ्रेश, ठीक है। फ्रेश वालों का, SC ST जो आते हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो है पिछड़ी वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश OBC कैटेगरी फ्रेश लॉगिन होगा इसमें, ठीक है। और इसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश का होगा, तो ज्यादातर इसी दोनों कैटेगरी में आप लोग आ जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि आप लोग देख सकते हैं SC ST, ठीक है, जो लोगों का मतलब आते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कि प्री मैट्रिक फ्रेश में यानी कि 9th 10th का इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, ठीक है, इसमें आप लोगों को 11th 12th का रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ठीक है, इसमें आप लोगों को BA BSc या BCom मतलब जो भी है इसमें आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो दोस्तों आप सिंपल से पिछड़ी वर्ग में आते हैं, पिछड़ी वर्ग में भी सेम वही प्रक्रिया है, और यहाँ पर आप लोग को सिंपल से आ जाना है 9th का हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले बताते हैं, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्री मैट्रिक फ्रेश पे, ठीक है, प्री मैट्रिक फ्रेश पे आप लोग क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोगों के सामने इंटरफेस खुलकर चला आएगा, रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलकर चला आएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे ऑप्शन खुले हैं यहाँ पर, 16, ठीक है, 16 भरना है, मतलब 16 15 16 ऑप्शन है जिनको पूरा फिल करना है आपको। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं किसमें क्या फिल करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं किसमें क्या फिल करना है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जिला देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जिला सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सेकेंड नंबर पर शिक्षण संस्थान सेलेक्ट करना है, और तीसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं जात समूह सेलेक्ट करना है, चौथे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं कि धर्म सेलेक्ट करना है यहाँ पर धर्म, और आप लोग देख सकते हैं छात्र का नाम 5वें नंबर पे है, 6ठवें नंबर पे पिता का नाम, 7वें नंबर पे है माता का नाम, 8वें नंबर पे है जन्मतिथि, ठीक है, और 9वें नंबर पे है लिंग, 10वें नंबर पे है क्लास कक्षा 8 मानी 10th नंबर पे है 8 उत्तरी वर्ष, किस साल मतलब 8 पास हुआ, ठीक है। और इसमें आप लोग विद्यालय का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है सिंपल से, यहाँ पर दूरभाषा यानी कि इसको छोड़ देना है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, फिर भी होता नहीं किसी के पास, यहाँ पर आप लोग ईमेल आईडी डालना है मतलब डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग पासवर्ड बना लेना है और पासवर्ड को कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम आपको फिल करके दिखाते हैं किस तरह से फिल करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है जिले में, ठीक है, आप लोग किस जिले में रहते हैं यानी किस जिले में पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं किस जिले में कॉलेज है यानी कि किस जिले में हम एडमिशन लिए हैं, तो महाराजगंज सिलेक्ट कर सकेंगे, अपने जिले का नाम आप लोग फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर शिक्षण संस्था सिलेक्ट करना है, तो दोस्तों शिक्षण संस्था में आप लोग अपने कॉलेज या स्कूल का नाम डाल सकते हैं, ठीक है, तो हम अपने स्कूल का नाम डाल लेते हैं। फिर से यहाँ पर आना है वर्ग जात समूह, ठीक है, वर्ग जात समूह में आप लोग किस वर्ग में आते हैं यानी कि OBC का ही फॉर्म भरा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है,
इसमें अन्य वर्ग ही आएगा, ओनली केवल यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसे सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आप लोग सामने पेज रिफ्रेश होगा, फिर से यहाँ पर धर्म में आना है, धर्म में हिंदू फिल कर लेना है, फिर से छात्र का नाम मांगेगा तो आप लोग छात्र का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर छात्र का नाम भर देना है, फिर से फादर नेम यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है, फादर नेम फिल कर देना है, उसके बाद यहाँ पर माता का नाम डाल देना है, ठीक है, माता का नाम डालने के बाद फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है, फिर यहाँ पर लिंक सेलेक्ट कर लेना है आप लोग, मेल या फीमेल मतलब जो भी, फिर यहाँ पर कक्षा आठ उत्तीर्ण वर्ष डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों किस वर्ष में आपने कक्षा आठ पास किया है, यानी कि अगर आप 2022 से पास किया है, 9th एडमिशन लिया है तो 2022 ही डालेंगे, अन्यथा जिस वर्ष में पास किए वो वर्ष डालना है आपको, ठीक है। फिर विद्यालय का नाम डालना है, जैसे कि विद्यालय का नाम कुछ भी हो सकता है जिसमें आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग फिल कर लेना है, फिल कर लेना है, फिर से आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग दूर भाषा नंबर डालना है, तो दोस्तों किसी के पास होता नहीं है, ठीक है, इसको खाली छोड़ देना है। ईमेल आईडी डाल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर फिर से पासवर्ड बना सकते हैं, दोस्तों पासवर्ड बना लेना है, फिर पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर देना है, कंफर्म करने के बाद फिर से यहाँ पर कैप्चा को फिल कर लेना है, फिल करने के बाद फिर से यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो दोस्तों आप लोग के सामने आप लोग देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आसानी से, और आप लोग फिर से इसको लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम केवल रजिस्ट्रेशन इस बताए थे इस वीडियो में, जैसे ही अगला वीडियो आएगा इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।